फ्रेंड्स, मैं प्रभजित कौर संधू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपनी सब बहनों को ये बताना चाहती हूँ जो किचन में काम करती हैं दिन रात, कि प्लीज़ प्लीज़ आप कभी भी ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश मत कीजिएगा जैसे मैंने की। और अब मैं बेड पर हूँ, मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, मैं चल भी नहीं सकती ठीक से। चल, डंडे के आसरे ये देखें, एक कॉर्नर में वो डंडा पड़ा है जो उसके से चलती हूँ मैं, उसको पकड़ कर मैं, मेरी एक पूरी टांग पर वज़न नहीं पड़ता। तो बस बहुत बुरा लग रहा है बेड पे बैठना और कोई काम नहीं कर पा रही। बहुत बाल थे मेरे लंबे, संभालने जा रहे थे तो वो बेटी ने काट के छोटे कर दिए क्योंकि बड़ी मुश्किल आ रही थी। खुद को नहीं संभाला जा रहा था, कैसे ये सब करूँगी। रोती थी, जब रोती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है मेरे इस लेफ़्ट वाली टांग में, और पूरा यानी कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर्स के पास गए थे तो उन्होंने 10 डेज़ की कंप्लीट रेस्ट आई है और मेडिसिन दी है। ये पूरा देखे, पीछे पानी रखा है, सब कुछ मेडिसिन्स रखी हुई हैं सारी। तो बस इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको बताएं कि काम करें लेकिन प्रिकॉशन लेकर। मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया और 15 किलो का वेट उठा लिया। मुझे लगता था कि ये कोई इतना वेट नहीं है तो, लेकिन बहुत बहुत बुरा हाल है, मैं सह रही हूँ। तो आप बहनों को बस मेरा यही है, निवेदन है कि मॉम्स को जिनके सर पे पूरा घर है, पूरा काम है, बच्चों को देखना, सब कुछ देखना, अब मेरी वजह से मैं बेड पर हूँ तो मेरी बेटी को सारा काम करना पड़ रहा है, मेरी मदर इन लॉ साथ में काम कर रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कि बाद में सबको परेशानी हो। तो बस मैंने आपको यही कहना था कि बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है, किसी ने नहीं रखना। और जब आप सफ़र करते हैं तो सिर्फ आप ही को ही पता है कि वो तकलीफ़ कितनी अक्यूट है, कितनी सीवियर है वो तकलीफ़, सिर्फ आपको ही पता है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोल रहा था सीधे खड़े हो, मेरे से सीधे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। तुम रोने लगी, मैं इतनी ऊँची ऊँची, और मेरे हस्बैंड थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे थे जब मैं रो रही थी क्योंकि बहुत से पेशेंट्स थे वहाँ पर, लेकिन क्या करती, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ की सही भी नहीं जा रही थी। तो मुझे व्हीलचेयर पर लेकर गए हैं, उस पर बिठाकर फिर उन्होंने मुझे चेक किया है और फिर मुझे मेडिसिन्स दी हैं और कंप्लीट बेड रेस्ट उठाई है 10 दिन के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा वगैरह लेंगे। तो यानी बैठे बैठाए बस मुसीबत आन पड़ी, लेकिन बहुत परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कभी भी जल्दी में कोई ऐसा काम ना करना कि बाद में आपको परेशानी हो, सब घर वालों को परेशानी हो। बच्चे 2-3 रात तक मैं सो नहीं सकी क्योंकि ना लेटा जा रहा, अब तो मैं थोड़ी बैठी हुई हूँ, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था इतनी ज़्यादा, और बैठने में भी तकलीफ़, उठने भी तकलीफ़, लेटने में तकलीफ़। और बस सारी सही रात मैं ऐसे बैठ के मैंने 3 दिन काटे हैं। फिर अब थोड़ा मेडिसिन से फ़र्क पड़ रहा है तो देखें कितने दिन लगते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, बस आपको यही कहना था कि प्लीज़ प्लीज़ बस अपना ध्यान रखें, क्योंकि जिन मॉम के सर पे सारा घर है, बच्चे हैं, देखभाल करनी है उनकी, उनको खाना देना है, सारा काम है, कपड़े धोने हैं, तो सारा काम रुक जाता है और घर वाले अलग से परेशान होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी वीडियो वॉच की, आपकी सपोर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस आपको यही कहना है बस बार बार कि प्लीज़ बी केयरफुल, ये किसी के साथ भी हो सकता है किचन में काम करते। तो चलती हूँ और मिलती हूँ, होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और आप वैसे ही मैं चलते फिरते आपके लिए वीडियो बनाऊँ जैसे पहले बनाती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।